Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ready College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a very important theory of learning, that is Robert Gagné's, you can say Robert Gagné's theory of learning. And the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for your various conceptual clarification as well as for your teaching examinations, competitive examinations, and for your regular BA, BEd, regular BA, MA, and professional BA, DEMET courses. Okay, so let's start. First of all, Robert Gagné. देखिए Robert Gagné हमको educational technology में भी पढ़ने को मिलते हैं और psychology में भी पढ़ने को मिलते हैं और अक्सर हम इनको in totality नहीं जानने के वजह से समझ नहीं पाते कि Robert Gagné ने कहा क्या क्या है. conditions of learning कहा है कि events of instruction के बारे में कहा है कि types of learning के बारे में कहा है कि hierarchy of learning के बारे में कहा है learning outcome के बारे में क्या कहा है. तो आप in totality जानिए Robert Gagné को, तो ये बड़ा interesting है जानना इनको अपने आप में और बहुत important भी है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इससे. तो शुरू करते हैं कि रॉबर्ट एम गैने पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ लर्निंग इन 1965 एंड द फोर्थ एडिशन इन 1985. यानी कि 1965 में इन्होंने सबसे पहले पब्लिश की अपनी किताब द कंडीशंस ऑफ लर्निंग. फिर 1985 तक में इसका चौथा एडिशन आ गया, मतलब इन्होंने तीन बार उसमें संशोधन कर दिया तब तक. इन दैट टाइम द थियरी इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम वन दैट वाज extensively behavioral to one that is now predominantly cognitive in nature. देखिए आपको पता है कि हम लोग जब theories of learning पढ़ते हैं तो behaviorist theories से हम cognitivist theories की तरफ जाते हैं. तो Robert Gagné भी शुरुआती जब इन्होंने अपने conditions of learning के बारे में बताया initially, तो ये behaviorist इनका जो intent था. फिर धीरे धीरे क्रमवार समय जैसे जैसे गुजरता है आगे, फिर ये cognitivist हो जाते हैं अपनी approach में. तो ये आगे आपको पता चल जाएगा. मोस्ट रिसेंटली गैने हैज पब्लिश्ड एन एडेप्टेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ लर्निंग स्पेसिफिकली फॉर द जॉब ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट. ये आता है 1996 में, जो इनका लेटेस्ट पब्लिकेशन आया है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग ट्रेनिंग एप्लीकेशन. ये पब्लिश हो रहा है 1996 में बाई रॉबर्ट एम गैने एंड कैरन एल मेट्सकर. ठीक है, ये तो इनकी किताबों की बात हुई कि 1965 से लेकर 1996 तक ये कंडीशंस ऑफ लर्निंग पे काम कर रहे हैं. शुरुआत में ये बिहेवियरिस्ट होते हैं और बाद में ये कॉग्निटिविस्ट हो जाते हैं. Gagné has described learning. अच्छा, क्योंकि हम theories of learning पढ़ रहे हैं तो Gagné ने learning को कैसे describe किया है? ये कहते हैं कि learning is a change in the behavior of an individual that is retained and that makes possible a corresponding change in his or her behavior in a particular situation. ये कह रहे हैं कि जो अधिगम है वो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है, जो कि retain रहता है, मतलब रहता है, क्षणिक नहीं है कि आज परिवर्तन है कल नहीं है. एंड दैट मेक्स पॉसिबल, और इसी की वजह से उसके बिहेवियर में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में चेंज भी आता है. अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड एन इंडिविजुअल्स ब्रेन. देखिए जैसे ये ब्रेन की बात कर रहे हैं वैसे ही क्या हो गया, ये कॉग्निटिविस्ट हो गए. क्यों? क्योंकि ये ब्रेन मेंटल प्रोसेसेस की बात करने लगे. तो ये कह रहे हैं कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में हो रही है. दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ए लर्नर आर, तो ये कह रहे हैं कि एक अधिगमकर्ता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसकी सेंसेस, उसकी ज्ञानेंद्रियां, उसका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसकी मसल्स. फिर गैनेस थियरी ऑफ लर्निंग में हम पढ़ेंगे क्या कि गैने कंबाइंड अ बेसिक बिहेवियरिस्ट पोजीशन विद एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव थॉट एंड बिल्ड एन हायरार्किकल मॉडल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग. देखिए जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग है वही टाइप्स ऑफ लर्निंग है और वही हायरार्की ऑफ लर्निंग है, ये आपको बाद में पता चलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. कंडीशंस पूछा जाएगा तो भी, टाइप्स पूछा जाएगा तो भी, हायरार्की पूछी जाएगी तो भी, आपको वही बताना है. ओके और कह रहे हैं कि गैने ने बिहेवियरिस्ट पोजीशन मतलब से स्टार्ट करते हुए कॉग्निटिव थॉट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिया अपनी अपनी थ्योरी में एंड बिल्ट एन हायरार्किकल मॉडल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग. और बहुत तरीके की अधिगम के प्रकारों का उन्होंने श्रेणीबद्ध क्रम तैयार किया. ही दस शोज द वे इन विच अ यूनिफाइंग थ्योरी मे बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग रिलेट टू ईच अदर. इस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे जो डिफरेंट लर्निंग है, क्योंकि हायरार्की बताई ना, तो एक प्रकार की लर्निंग फिर दूसरे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर उसके ऊपर, तो ये कह रहे हैं कि कैसे सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है. He synthesized the existing theories of learning and tried to provide a consistent explanation for all types of learning with the help of a set of psychological principles of learning. इन्होंने कोशिश की कि एक consistent explanation ये दे सके जितना भी इन्होंने types of learning बताई एक psychological principles के द्वारा.
He also proposed that the information processing model of learning could be combined with behaviorist concepts to provide a more complete view of learning tasks. देखिए शुरुआत में ये क्या कह रहे हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, बढ़ते 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 हायरार्की में जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो ये कॉग्निटिविस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी कि तो कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, जो कॉग्निटिव मॉडल है, वो एक्चुअली बिहेवियरिस्ट मॉडल के कॉम्बिनेशन से ही बना है। और गैनेस थ्योरी शुड बी क्लासिफाइड एज इंस्ट्रक्शनल थ्योरी एज अपोज टू लर्निंग थ्योरी। कई वैज्ञानिक, कई विद्वान तो ये भी मानते हैं कि आपको इनकी थ्योरी को लर्निंग थ्योरी कहना ही नहीं चाहिए, इंस्ट्रक्शनल थ्योरी कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अ लर्निंग थ्योरी कंसिस्ट्स ऑफ ए सेट ऑफ प्रोपोजिशंस एंड कंस्ट्रक्ट्स दैट अकाउंट फॉर हाउ चेंजेस इन ह्यूमन परफॉर्मेंस एबिलिटीज कम अबाउट। वो कह रहे हैं लर्निंग थ्योरी तो ये बताती है कि वो कौन से प्रोपोजिशंस हैं, वो कौन से कंस्ट्रक्ट हैं जो जरूरी हैं, जो ये इसके लिए जिम्मेदार हैं कि कैसे जो मनुष्य की परफॉर्मेंस है ये एबिलिटीज में चेंज आता है। जबकि इंस्ट्रक्शनल थ्योरी क्या बताती है, इट डिस्क्राइब्स द कंडीशंस अंडर विच वन कैन इंटेंशनली अरेंज फॉर द लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउटकम। क्योंकि इंस्ट्रक्शनल थ्योरी हमको ये बताती है कि वो कौन सी दशाएं हैं जिसमें एक इंडिविजुअल जानबूझकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउटकम्स, लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउटकम्स के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो इनकी थ्योरी ये कंडीशंस पे बात कर रही है, इसलिए इसको इंस्ट्रक्शनल थ्योरी कहा जाना चाहिए बजाय इसके कि लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ये भी एक बात निकल के आती है। फिर हमको ये तीन हेडिंग्स में गैने की थ्योरी को पढ़ना है। गैनेस थ्योरी इनकॉर्पोरेट थ्री मेजर कंपोनेंट। सबसे पहले टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जिसको कि कैटेगरीज ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। देखिए कितने कितने कंफ्यूजन है, आप ये मत समझिए कि लर्निंग आउटकम है तो कैटेगरी ऑफ लर्निंग अलग है। टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम जो इनका है उसी को इन्होंने कैटेगरीज ऑफ लर्निंग का नाम भी दिया है। फिर इन्होंने बात की है स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशंस की, वही कंडीशंस ऑफ लर्निंग है, वही टाइप्स ऑफ लर्निंग है और वही हायरार्की ऑफ लर्निंग है। ओके, रिक्वायर्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ सच आउटकम एंड द नाइन इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल नाइन इवेंट्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशंस जरूरी हैं ताकि ये लर्निंग आउटकम निकल के आए। ये इनकी थ्योरी है। तीन हेडिंग में हमको इनकी थ्योरी पढ़नी है। स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशंस कौन सी, ये कह रहे हैं कंडीशंस ऑफ लर्निंग क्या है, टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स क्या है, कैटेगरीज ऑफ लर्निंग क्या है और नाइन इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो इनकी जो लर्निंग कंडीशन है 8 है, टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम 5 है और इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन 9 है। तो ये भी आपको संख्या भी बतानी चाहिए कि लर्निंग आउटकम 5 है, लर्निंग कंडीशन 8 है और इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन 9 है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम या कैटेगरीज ऑफ लर्निंग से। तो ये कह रहे हैं, चूंकि देखिए जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ब्लूम के कंटेम्प्रेरी थे। ब्लूम भी इसी वक्त कॉग्निटिव डोमेन और साइको इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन की ये सब बातें चल रही थी, इसीलिए इन्होंने टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम को इन्हीं तीन डोमेन्स में बांटा है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लूम, मतलब दोनों लोग एक दूसरे से प्रभावित थे, गैने और ब्लूम। तो इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन से लिए हैं, तीन इन्होंने सब स्टेजेस लिए हैं। कौन कौन सी, वर्बल इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। इफेक्टिव डोमेन में सिर्फ एटीट्यूड लिया है और साइकोमोटर डोमेन में सिर्फ मोटर स्किल्स लिया है। भाई हम कहते हैं कि एटीट्यूडनल चेंज इफेक्टिव डोमेन है, मोटर स्किल्स हमको आ जाए तो साइकोमोटर डोमेन है, और कॉग्निटिव डोमेन में तीन लिए इन्होंने, वर्बल इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। गैने अज्यूम दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ईच ऑफ व्हिच इज बेस्ट अचीव्ड with specific instructional design, but also there is a set of steps required in every learning environment. Okay. तो अब हम बारी बारी से verbal information, intellectual skills, cognitive strategies, attitude और motor skill को जान लेते हैं। Cognitive domain की बात करें तो verbal information गैने के हिसाब से क्या है? गैने कहते हैं कि in this category, in the cognitive domain for declarative knowledge, ये कह रहे हैं declarative knowledge का ये domain है। It refers to the vast bodies of knowledge that learners acquire through formal schooling, books, television and many other means. वो कह रहे हैं जितना कुछ हम किताबों से, टेलीविजन से और माध्यम से सीख रहे हैं वो सब कुछ मिलकर हमारा वर्बल इन्फॉर्मेशन बनाता है। फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स के लिए क्या कहते हैं, सेकंड कैटेगरी इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ गैनेस टैक्सोनॉमी इज दैट रेफर टू एज इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज। देखिए जो वर्बल इन्फॉर्मेशन है वो डिक्लेरेटिव नॉलेज है, जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है वो प्रोसीजरल नॉलेज है, और इसको ये फिर 5 हायरार्किकली ऑर्डर्ड सब कैटेगरीज में बांटते हैं। मतलब ये भी हायरार्की, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। से ऊपर discriminations, concrete concepts, defined concepts, rules and higher order rules. यानी कि विभेद करना सीखता है व्यक्ति, वो कॉन्क्रीट कंसेप्ट सीखता है, फिर वो कंसेप्ट डिफाइंड कंसेप्ट सीखता है, फिर वो रूल सीखता है, फिर हायर ऑर्डर रूल सीखता है, इनके हिसाब से इंटेलेक्चुअल स्किल्स में। फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज क्या है, कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस वेज बाई विच लर्नर्स गाइड देयर ओन लर्निंग, थिंकिंग, एक्टिंग एंड फीलिंग।
मतलब जो ये कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हैं, इनके हिसाब से वो तरीके हैं जिससे लर्नर अपनी अपनी लर्निंग को गाइड करता है, अपनी लर्निंग को, थिंकिंग को, एक्टिंग को, फीलिंग को. ओके. और गैने क्या कह रहे हैं कि कंसीव्ड ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एज रिप्रेजेंटिंग द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड दे कंपोज व्हाट अदर्स हैव कॉल्ड कंडीशनल नॉलेज. इन्होंने कहा कि ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से लेना देना कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज का, कुछ लोग इसको कंडीशनल नॉलेज भी कहते हैं. तो वर्बल इंफॉर्मेशन डिक्लेरेटिव नॉलेज, इंटेलेक्चुअल स्किल्स प्रोसीजरल नॉलेज, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज कंडीशनल नॉलेज. इतनी तो बात उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन में कही. अब इफेक्टिव और साइकोमोटर में क्या कह रहे हैं कि एटीट्यूड, वेयर एज वर्बल इंफॉर्मेशन इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज आर ऑल पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन, एटीट्यूड्स आर कंसिडर्ड टू बी इन इफेक्टिव डोमेन. ठीक है, गैने डिफाइंड एटीट्यूड्स एज acquired internal states that influence the choice of personal action towards some class of things, persons or events. वो कह रहे हैं एटीट्यूड का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं एटीट्यूड का मतलब है कि हमारी मन की आंतरिक दशा जो प्रभावित करती है कि हम क्या करेंगे, हम कौन सी चीजें चुनेंगे, व्यक्ति घटना के बारे में क्या हम पर्सनल एक्शन लेंगे, वही हमारा एटीट्यूड है. और मोटर स्किल्स, द फिफ्थ टाइप ऑफ आउटकम इन गैने'स टैक्सोनॉमी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द साइकोमोटर डोमेन इज मोटर स्किल्स. ठीक है, गैने मीन्स द प्रिसाइज, स्मूथ एंड एक्यूरेटली टाइम्ड एग्जीक्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ मसल्स. देखिए, आपको याद होगा कि जब वो बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट हमारे जरूरी हैं लर्निंग के लिए, तो वो बात करते हैं सेंसेस और आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मसल्स. तो यही मोटर स्किल्स है जो मसल्स में काम आ रहा है. वो कह रहे हैं कि प्रिसाइज हो, एकदम बढ़िया, एकदम रिफाइंड हो, स्मूथ हो, एक्यूरेटली टाइम, यानी कि बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं हो रही है उसकी एग्जीक्यूशन में परफॉर्मेंस की, अपनी मसल्स की सहायता से जब हम काम करते हैं, वही मोटर स्किल्स. तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम है, या जिसको कैटेगरीज ऑफ लर्निंग कह रहे हैं, वो तीन हेड में डिफाइंड है: कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन में वर्बल इंफॉर्मेशन है आपका, इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज है. इफेक्टिव डोमेन में एटीट्यूड आ गया और साइकोमोटर डोमेन में मोटर स्किल्स आ गए. ओके, फिर बात करते हैं कंडीशंस ऑफ लर्निंग की, जिस जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है रॉबर्ट गैने अगर किसी चीज के लिए जाने जाते हैं तो कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लिए. इन ऑर्डर टू प्लान व्हाट लर्निंग कंडीशंस शुड बी प्रेजेंट इन इंस्ट्रक्शन, गैने, ब्रिक्स एंड वेगर रिकमेंडेड कैटेगराइजिंग लर्निंग गोल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ आउटकम दे रिप्रेजेंट. मतलब इन्होंने कोशिश की कि ये लर्निंग गोल को ऐसे कैटेगराइज कर सके, जिस आउटकम को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस तरीके से लर्निंग गोल को कैटेगराइज कर सके. From the standpoint of the teacher or instructional designer, this means some very careful consideration of just what ends or results are desired. तो कह रहे हैं कि चूंकि टीचर की दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आउटकम के हिसाब से लर्निंग गोल कैटेगराइज किया जा रहा है, तो आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है. Once instructional goals have been categorized into types of learning outcomes, then planning for instruction can proceed systematically. वो कह रहे हैं कि instructional goal को उन्होंने categorize कर दिया learning outcome के terms में, यानी कि हम क्या पढ़ाएं वो डिपेंड करता है कि क्या हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ के निकल के आए, सीख के आए. अ टीचर और इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर कैन डिटरमाइन जस्ट व्हाट यूनिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर लर्नर्स टू एक्वायर ईच डिजायर्ड स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड. द लर्निंग कंडीशंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन अपीयर टू क्रिटिकली इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ वेरियस आउटकम. यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग है ये लर्निंग आउटकम के संगत है. तो 8 conditions या लर्निंग टाइप्स या वेराइटीज ऑफ लर्निंग गैने ने आइडेंटिफाई की है, और बिगिनिंग विद द सिंपल वंस एंड एंडिंग विद द कॉम्प्लेक्स. सिंपल बिहेवियरिस्ट व्यू से ये शुरू होती है और हाईएस्ट कॉग्निटिविस्ट व्यू पे जाके खत्म होती है. ऑल्दो गैने रिफर्स टू दीज कंडीशंस एज लर्निंग टाइप्स, ही इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस व्हिच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज कंडीशंस. मतलब लर्निंग कंडीशंस ऑफ लर्निंग पे बहुत काम है इनका, लेकिन इनका मुख्य फोकस इस पे था लर्निंग आउटकम पर. ठीक है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग में हो गया. गैने एक्सप्लेन्स द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बाय डिवाइडिंग देम इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशंस. तो इन्होंने कंडीशंस ऑफ लर्निंग को दो भाग में बांट दिया, एक्सटर्नल और इंटरनल. इंटरनल क्या है? रिफर टू प्रीवियसली लर्नड कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर, ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज व्हाट द लर्नर न्यू प्रायर टू इंस्ट्रक्शन. वो कह रहे हैं इंटरनल कंडीशन वो है जो हम पहले से जानते हैं, हमको कुछ सिखाया जा रहा है उसके पहले से जो हमारे मन में दिमाग में है वो इंटरनल कंडीशन है. व्हाइल एक्सटर्नल कंडीशंस रिफर टू स्टिमुलाई दैट आर प्रेजेंटेड टू द लर्नर एक्सटर्नली. और एक्सटर्नल कंडीशन वो है जो हमको हमारे सामने इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है. गैने इन्फ्लुएंस्ड विद बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी सजेस्टेड देयर आर 8 types और कंडीशंस ऑफ लर्निंग, मोस्टली ऑल बेस्ड ऑन एसआर लर्निंग. दे आर कैटेगराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्सिटी. तो ये सिंपल टू हाईएस्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला क्रम लगा हुआ है. तो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है? सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर चेनिंग, फिर वर्बल एसोसिएशन,
फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कहीं कहीं इसको मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन भी लिखा रहता है, कंसेप्ट लर्निंग, रूल या प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो आप देख रहे हैं कि जो सिग्नल लर्निंग है, जो एसआर लर्निंग है, जो चेनिंग है, ये सब क्या है? बिहेवियरिस्ट अप्रोचेस हैं. और आपकी कंसेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? कॉग्निटिविस्ट अप्रोचेस है लर्निंग की. ठीक है, तो एक एक को देख लेते हैं. सिग्नल लर्निंग क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, एक तरीके से आपकी पैवलोव की कंडीशनिंग है, जिसको कि क्लासिकल कंडीशनिंग कहते थे. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग फर्स्ट डिस्क्राइब बाई बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट पैवलोव. इन दिस द सब्जेक्ट इज कंडीशनड टू इमिट अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज द रिजल्ट ऑफ अ स्टिमुलस दैट वुड नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस दैट रिस्पॉन्स. अगर आपको भूल गए हैं तो फिर से क्लासिकल कंडीशनिंग का वीडियो सुनिए. उसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो कंडीशन हो जाता है वो रिस्पॉन्स इमिट करने के लिए जो कि नॉर्मली वो नहीं करता. This is done by first exposing the subject to the chosen stimulus along with another stimulus. यानी कि इसके लिए आपको बार बार chosen stimulus के संग another stimulus देना पड़ता है, तब ये काम होता है. Which produces the desired response when exposed to the conditioned stimulus on its own. ठीक है, फिर जो SR learning है वो क्या है? Actually क्या है? ये operant conditioning है. This somewhat more sophisticated form of learning, which is also known as operant conditioning, was originally developed by Skinner. तो आप operant conditioning वाला video सुन लीजिए. It involves developing desired stimulus response bonds in the subject through a carefully planned reinforcement schedule based on the use of rewards and punishment. तो operant conditioning है क्या? After effect, consequence. जो सिखाना चाहते हैं उस पर आप positive reinforcement देना है, जो हटाना है उसको negatively reinforce करना है. ठीक है, फिर चेनिंग. दिस इज अ मोर एडवांस फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच द सब्जेक्ट डेवलप्स द एबिलिटी टू कनेक्ट टू और मोर प्रीवियसली लर्नड एसआर बॉन्ड्स इनटू अ लिंक्ड सीक्वेंसेस. यानी कि अब चेन बन गई, एसआर एसआर एसआर, उसमें कुछ सीख लिए, उन सबकी चेनिंग बन जाती है. वर्बल एसोसिएशन में क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ चेनिंग इन विच द लिंक्स बिटवीन द आइटम्स बीइंग कनेक्टेड आर वर्बल इन नेचर. मतलब चेन तो बन गई, अब उसमें वर्बल कनेक्शन आ गया, तो वो वर्बल एसोसिएशन. व्यक्ति जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू अ सीरीज ऑफ सिमिलर स्टिमुलाई दैट डिफर इन अ सिस्टमैटिक वे. मतलब सिमिलर मतलब एक समान स्टिमुलाई दिख रहा है लेकिन एक्चुअली वो अलग अलग है. तो जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है कि किसको कब कौन सा रिस्पॉन्स देना है. द प्रोसेस इज मेड मोर कॉम्प्लेक्स बाई द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस वेयर बाई वन पीस ऑफ लर्निंग इनहिबिट्स अनदर. फिर कंसेप्ट लर्निंग. यानी कि पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर हमने चेनिंग सीख ली, फिर हमने वर्बल एसोसिएशन सीख लिया, फिर हमने डिस्क्रिमिनेट करना सीख लिया. अब हम क्या सीख रहे हैं? कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गया. यानी कि दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक ए कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई दैट फॉर्म ए कॉमन क्लास और कैटेगरी ऑफ सम सॉर्ट. यानी कि जो कॉमन क्लास का स्टिमुलाई है उसको हम सेम रिस्पॉन्स या कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स देना सीख गए, तो इसका मतलब कंसेप्ट का फॉर्मेशन हो गया. यानी कि हम जनरलाइज करना, क्लासिफाई करना सीख गए. और प्रिंसिपल लर्निंग या रूल लर्निंग में क्या है? दिस इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू लर्न रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स. हम कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप सीख जाते हैं, तो ये प्रिंसिपल लर्निंग हो जाता है. हम रूल प्रोसीजर ये सब सीख जाते हैं. और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गैनी. इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग द एबिलिटी टू इन्वेंट ए कॉम्प्लेक्स रूल, एल्गोरिदम or procedure for the purpose of solving one particular problem and then using the method to solve other problems of a similar nature. यानी कि ये highest form of learning है according to Gaine. और यहाँ पे आप problem solving सीख जाते हैं, और similar situations की जब आपको problem मिलती हैं तो आप उस पर भी वो solution apply कर लेते हैं. लास्ट में 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ना है. मतलब कि हमने टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम पढ़ लिया, जिसको कैटेगरीज ऑफ लर्निंग कहा. फिर हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग या कंडीशंस ऑफ लर्निंग या हायरार्की ऑफ लर्निंग पढ़ लिया. और अब हम 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. दिस थ्योरी आउटलाइंस 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस. जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो उसका कॉग्निटिव प्रोसेस है. तो कौन कौन सा है? गेनिंग अटेंशन, इसको क्या कहेंगे? रिसेप्शन, यानी कि रिसीव करना. Since learning cannot occur unless the learner is in some way oriented and receptive to incoming information, gaining attention is the obvious first event that must occur in instruction. वो कह रहे हैं कि लर्निंग तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि जो लर्नर है वो रिसेप्टिव कंडीशन में ना हो. यानी कि जो स्टिमुलस मिल रहा है वो रिसीव तो करे. ये पहला इवेंट है इंस्ट्रक्शन का, गेनिंग अटेंशन. फिर इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. फिर आप क्या करेंगे? लर्नर को ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे ताकि वो उस
स्टिमुलाई के प्रति ज्यादा अलर्ट हो सके। फिर आप क्या करेंगे, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी कि जो उसने पहले से सीख रखा है उसको आप रिकॉल कराएंगे। फिर आप क्या कराएंगे, प्रेजेंटिंग दी स्टिमुलस, आप उसको सेलेक्टिव परसेप्शन सिखाएंगे। फिर प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, यानी कि हाउ और व्हाट लर्निंग गाइडेंस इज प्रोवाइडेड इन इंस्ट्रक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिजायर्ड आउटकम बट द प्राइमरी प्रोसेस टू बी फैसिलिटेटेड सीमेंटिक इनकोडिंग। और उसके बाद इलिसिटिंग परफॉर्मेंस, यानी कि अब जो व्यक्ति है इंडिविजुअल है वो परफॉर्मेंस इलिसिट करना सीख जाएगा, मतलब परफॉर्मेंस देना सीख जाएगा। और उसके बाद प्रोवाइडिंग फीडबैक, आप उसको री इन्फोर्समेंट या फीडबैक दीजिए, हैविंग शोन वॉट दे हैव डू वॉट दे एंड डू लर्नर शुड बी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, जो उन्होंने जैसा भी परफॉर्म किया उसका उनको फीडबैक मिलना चाहिए। फिर असेसिंग परफॉर्मेंस, फिर आप उनकी परफॉर्मेंस का आकलन कीजिए कि उन्होंने अच्छा सीखा गलत सीखा कैसा परफॉर्म किया। फिर इन्हेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, फिर आप उनका रिटेंशन पावर बढ़ाइए और उसको ट्रांसफर यानी कि जनरलाइज हो सके। Although this is the last event in this series, instructional activities to enhance retention and transfer are frequently built into the instruction at a much earlier phase. कह रहे हैं वैसे गैने ने इसको आखिरी स्टेज पे रखा है, लेकिन ये बीच बीच में कई बार हो जाता है। तो फिर से देख लेते हैं क्या था, गेनिंग अटेंशन, फिर इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उनको पहले अटेंशन पे करना सिखाइए, फिर उनको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताइए, फिर उनको प्रायर लर्निंग रिकॉल कीजिए, फिर स्टिमुलस को प्रेजेंट कीजिए, फिर उनको गाइड कीजिए, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखिए, फिर फीडबैक दीजिए, फिर परफॉर्मेंस का आकलन कीजिए और बाद में उनको ट्रांसफर ऑफ मतलब जनरलाइजेशन सिखाइए, ठीक है। और लास्ट में एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है इसका, कि प्री रिक्विजिट बिहेवियर, गैने एडवोकेटेड दैट प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग मूव फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स, द लर्नर हैज टू डेवलप प्री रिक्विजिट कैपेबिलिटीज बिफोर शी एक्वायर्स न्यू टर्मिनल बिहेवियर। वो कह रहे हैं ना कि हायरार्की है, तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले आदमी को प्रिंसिपल लर्निंग सीखना पड़ेगा, प्रिंसिपल लर्निंग से पहले कंसेप्ट लर्निंग सीखना पड़ेगा। तो सबका प्री रिक्विजिट बिहेवियर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या उसको सीखना है और उसके लिए प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है। फिर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रेडीनेस एंड मोटिवेशन टू लर्न आर इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी कंसिडर्ड बिफोर डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। इंडिविजुअल डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना होगा, लर्नर कितना रेडी है सीखने के लिए, ये वो कितना मोटिवेटेड है, ये सब इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको ध्यान में रखना होगा अगर आप उसका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाने जा रहे हैं तो। और कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड इंस्ट्रक्शन, सॉरी, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ द लर्नर एंड टीचिंग लर्नर्स, the skills of problem solving are integral parts of the internal conditions of learning applicable to instruction। वो कह रहे हैं ना, internal conditions of learning क्या है कि जो व्यक्ति को पहले से पता है, जो prior learning है। the skill of learning how to learn should be developed in the learner and the emphasis should be on the learner's individuality। यानी इतनी चीजें हमको निकल के आती हैं जो गैने की थ्योरी से, कि हमको व्यक्ति को, छात्र को प्री रिक्विजिट बिहेवियर के लिए तैयार करना है, अगर उसको कॉम्प्लेक्स स्किल सिखानी है तो उसकी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना है, उसकी इंटरनल कंडीशंस को ध्यान में रखना है। ये सारी बातें हमको गैने की थ्योरी ऑफ लर्निंग या इंस्ट्रक्शनल थ्योरी ऑफ लर्निंग से पता चलती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत सारे सवाल इस पर बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और आप देख भी रहे हैं कितना कुछ है बताने के लिए इनके पास। कैटेगरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग आउटकम, ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, उसके बाद कंडीशंस ऑफ लर्निंग, हायरार्की ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, सब एक ही चीज़ है। और लास्ट में 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये आपको इसमें समय देना पड़ेगा याद करने के लिए, तब आपको याद होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू लर्न। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।